नमस्कार प्यारे बच्चों, आदर्श की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपने 12th क्लास का लेसन नंबर फाइव का अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है शुष्क कृषि, जिसकी परिभाषा, महत्व और सिद्धांतों के बारे में अपने इस लेसन के बारे में पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। काफ़ी अच्छा लेसन आपके यहाँ पर दिया गया है, अपने राजस्थान या अपने रेगिस्तानी चूरू एरिया के लिए जो बताया गया है कि किस प्रकार से जो है आपकी ड्राई फार्मिंग, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, तो शुष्क कृषि किस प्रकार से की जाती है, इसके कौन कौन से तरीके हैं, वो आगे आते जाएंगे और उसके बारे में अपने काफ़ी विस्तार से चर्चा करते जाएंगे। तो सबसे पहले अपने ड्राई फार्मिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में, इसके इम्पोर्टेंस, महत्व के बारे में और उसके प्रिंसिपल एंड सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद फसल चक्र इसके अंदर है, भू परिष्करण है, मिश्रित खेती है, इनके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करते जाएंगे। तो आज अपने 5वां लेसन आपके 12th क्लास का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपकी शुष्क कृषि, इसकी परिभाषा, महत्व और इसके सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, ये सबसे पहले देखिए कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, गैम्बल विद मानसून। भारतीय कृषि जो है, इंडियन एग्रीकल्चर या भारतीय कृषि जो है, उसको मानसून का जुआ कहा जाता है। जुआ जानते हो ना आप, जुआ जो खेल होता है, जुआ, गैम्बल, इंग्लिश में गैम्बल बोलते हैं, हिंदी में जुआ, जुआ खेलना जानते हैं, जुआ खेलते हैं, यानी ऐसा गेम जिसके अंदर सब कुछ हारा जा सकता है और सब कुछ जीता जा सकता है, वो होता है किस्मत पर डिपेंड करता है। महाभारत में जुआ देखा होगा आपने, द्रुत क्रिया इसको बोलते हैं, द्रुत क्रिया ये, या हिंदी में अपने यहाँ पर बात करें तो जुआ, जिसमें पांडव अपना सब कुछ, यहाँ तक कि द्रौपदी भी हार गए थे, वही चीज़ है जुआ, गेम होता है गैम्बल। तो भारतीय कृषि जो है उसको मानसून का जुआ कहा जाता है। किस प्रकार से कहा जाता है जुआ, यानी कि मानसून अगर किस्मत पर डिपेंड होता है जुआ भी, उसी प्रकार अगर भारतीय कृषि जो है, भारतीय किसानों की अगर हर साल की बात होती है कि हर साल मानसून आता है और हर साल खेती होती है, तो हर साल अगर मानसून अच्छा आ जाए तो अगर मानसून अच्छा आ जाता है, यानी बारिश बहुत अच्छी जैसे अब की बार हुई है, तो अगर मानसून अच्छा आ जाता है, बरसात अच्छी हो जाती है, तो कृषि में वाह वाह है, बहुत अच्छा उत्पादन होता है खेती में। और अगर मानसून नहीं आ पाता और वर्षा नहीं हो पाती है, तो सीधी सी बात है, प्रोडक्शन बिल्कुल कम रह जाता है और अकाल पड़ने की स्थिति आ जाती है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार जुए के अंदर जो पासा फेंकते हैं, तो उसके अंदर अच्छे नंबर आए तो वो जीत जाता है और कम नंबर आते हैं तो वो हार जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर है कि अगर मानसून अच्छा रहेगा तो उत्पादन भी अच्छा होगा, भारतीय कृषि भी अच्छी होगी, और मानसून अच्छा नहीं रहेगा तो भारतीय कृषि का उत्पादन भी बिल्कुल गिर जाता है। तो इसलिए भारतीय जो कृषि है उसको मानसून का, यानी मानसून पर डिपेंड करता है। जिस प्रकार जुए के अंदर किस्मत डिपेंड करती है, उसी प्रकार मानसून के ऊपर अपने यहाँ पर कृषि डिपेंड करती है, तो इसलिए इसको मानसून का जुआ कहा जाता है। आप समझ गए होंगे, आगे देखिए। देश में खाद्यान्न उत्पादन और कृषि विकास वर्षा की मात्रा और वितरण पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है, देश के अंदर जो भी खाद्यान्न उत्पादन होता है, जो भी अनाज प्रोडक्शन होता है, तो और जो कृषि के अंदर जो खेती क्रियाएं और जो होती हैं, जितने भी खाद्यान्न उत्पादन और आपकी कृषि विकास जितना भी है, वो सारा का सारा वर्षा की मात्रा कि कितनी वर्षा की मात्रा हुई देश के अंदर इस साल, हर साल की बात है ये, तो कितनी एक साल के अंदर वर्षा की मात्रा, यानी वर्षा कितनी मात्रा में हुई और उसका वितरण पूरे इंडिया लेवल पर उसका वितरण किस प्रकार से रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, कई बार असमान वितरण हो जाता है, जैसे कहीं पर बिल्कुल बारिश नहीं होती, कहीं पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, तो ऐसा वितरण ना हो, तो अगर वितरण कैसा रहता है वो भी डिपेंड करता है। मात्रा तो है ही है, वर्षा की मात्रा यानी बारिश की मात्रा कितनी हुई, और वितरण भी डिपेंड यानी कहाँ पर कितनी बारिश हुई, वो भी इस पर डिपेंड करता है, किस पर, जो कि वर्षा की मात्रा और आपका वितरण जो है उस पर खाद्यान्न उत्पादन और कृषि की क्रियाएँ जो होती है वो निर्भर करती है भारत में। आगे देखिए, हमारे देश में कुल शुद्ध कृषि क्षेत्र का लगभग 58% क्षेत्र वर्षा आधारित है। हमारे देश में कुल शुद्ध कृषि क्षेत्र का लगभग 58% क्षेत्र वर्षा पर आधारित है। इतना प्रतिशत नाम आया है, जितना भी कुल
शुद्ध कृषि क्षेत्रफल का 58% वर्षा पर आधारित है। कुल शुद्ध कृषि क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? टोटल जो आपका एरिया होता है, यानी कुल शुद्ध कृषि अंदर जितने क्षेत्रफल के अंदर भारत में जितना भी भारत का क्षेत्रफल है उसके अंदर कितने भाग पर जो है वो खेती की जाती है, कृषि की क्रिया की जाती है, वो होता है कुल कर्षित क्षेत्रफल। कौन सा होता है? कुल कर्षित क्षेत्रफल। यहाँ पर कुल शुद्ध कृषि दिया गया है। कुल शुद्ध मतलब प्योर रूप से जहाँ पर खेती होती है। भारत का मान लो कि जो है क्षेत्रफल है कितना है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो लगभग जो है आपको मैं देख के बताऊंगा कि भारत का जितना एरिया, जितना भी भारत का एरिया है, जितना भी क्षेत्रफल है उसके अंदर कितने भाग पर खेती की जा रही है, उसमें से कितने भाग पर खेती की जा रही है, कितने भाग पर नदी है, कितने भाग पर मैदान है, कितने भाग पर पहाड़ है, कितने भाग पर जंगल है, उस एरिया को छोड़कर जितने एरिया के ऊपर भारत का जितने क्षेत्रफल है उस एरिया में से सब चीज़ों को निकालने के बाद जितने एरिया के अंदर जितना क्षेत्रफल है उस एरिया के अंदर अपने जो हैं वो खेती कितने क्षेत्रफल पर कर रहे हैं, वो शुद्ध कृषि क्षेत्रफल है। कुल शुद्ध कृषि क्षेत्रफल का मतलब भारत का जितना क्षेत्रफल है उसमें से कितने भाग पर शुद्ध रूप से खेती की जा रही है, किसानों के द्वारा खेती कितने क्षेत्रफल पर की जा रही है, वो होता है कुल शुद्ध कृषि क्षेत्रफल। तो भारत का जितना कुल शुद्ध कृषि क्षेत्रफल है उसका लगभग 58% भाग जो होता है, जिस कुल शुद्ध कृषि क्षेत्रफल पर मान लो कि 100% एरिया है अपने पास, भाई 100% एरिया कुल शुद्ध कृषि क्षेत्रफल का, यानी ये मान लो कि 100 हेक्टेयर अनुमान लगाना है कि अपने भारत के अंदर मान लो 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर कृषि की जा रही है। कितने की जा रही है? कृषि की जाती है, कृषि की जा रही है। माना आपने इंडिया के अंदर 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर खेती की जा रही है, उसमें से जो 58% या 58 हेक्टेयर के अंदर जो खेती होती है, कितने हेक्टेयर के अंदर है, 58 हेक्टेयर के अंदर जो खेती होती है वो किस पर आधारित होती है? वर्षा पर। कितने पर? वर्षा। यानी 58 और 40 यानी 42% पर केवल सिंचाई होती है, बाकी 58 पर जो हेक्टेयर मान लो आपका बचा, भी मान लो अपने 100 हेक्टेयर पर खेती की अनुमान है अपने कि भारत के अंदर मान लो कि 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेती की जा रही है, ठीक है, उसमें से 58 हेक्टेयर की जो खेती है वो किस पर आधारित है? वर्षा पर आधारित है। यानी अगर बारिश अच्छी होती है तो उस 58 हेक्टेयर के अंदर खेती हो जाएगी, वरना नहीं होगी। सिर्फ 42 हेक्टेयर जो जमीन बचती है वही सिंचित है भारत की, ये मान सकते हैं अपने। यानी 100% में से 58% क्षेत्रफल जो है, मान लो कुल शुद्ध कृषि क्षेत्रफल अगर 100% है तो उसमें से 58% भाग जो होता है वो वर्षा पर आधारित है, केवल 42% भाग पर सिंचाई की जा रही है, ये मैंने आपको अनुमान बताया है। तो कहने का मतलब भारत का जितना भी कुल शुद्ध कृषि क्षेत्रफल है, जितने में खेती की जा रही है, उसका 58% भाग हमेशा वर्षा पर आधारित रहता है। यानी अगर बारिश होती है तो उसमें क्षेत्रफल में खेती होगी, वरना नहीं होगी। बाकी 42% भाग जो बचा हुआ है उसके अंदर जो है आपका सिंचित होता है, नहरों के द्वारा, कुओं के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा या अन्य चीज़ों, तालाब, बावड़ी जो भी हैं, जितने भी सिंचाई के स्रोत होते हैं उनके द्वारा सिंचाई करके खेती की जा रही है। लेकिन 58% एक बहुत बड़ा भाग हो जाता है 58%, तो वो केवल और केवल वर्षा पर आधारित है। जैसे अपने वाला एरिया देख लो आप, अपने कुछ एक एरिया के अंदर ट्यूबवेल से पानी लगाता है, बाकी सारा का सारा किस पर आधारित है? खेती वर्षा पर आधारित है। अगर बारिश, जैसे अब की बार अच्छी बारिश हुई है तो अपनी खेती भी अच्छी प्रकार से हो रही है, तो वही चीज़ है। यानी ये सारा का सारा वर्षा पर आधारित एरिया है 58%, जिसमें हम भी शामिल हैं। इसी प्रकार अन्य राज्य भी हैं भारत के, वो भी वर्षा आधारित खेती करते हैं। तो वो चीज़ है कि वही यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत का जितना भी कुल शुद्ध कृषि क्षेत्रफल है उसका 58% भाग जो है वो वर्षा पर आधारित है। किस पर आधारित है? वर्षा पर। अगर बारिश अच्छी होती है तो खेती होती है, वरना नहीं होती। इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून का चूहा कहा जाता है। आगे, कुल खाद्यान्न उत्पादन का 40% इन्हीं क्षेत्रों से आता है, तथा साथ ही पशुधन इन क्षेत्रों पर निर्भर है।
अब ये 58%, यह जो 58% भाग जो वर्षा पर आधारित है, ये 58% भाग जो वर्षा पर आधारित है, इससे जो है भारत का 40% खाद्यान्न उत्पादन होता है। कितना उत्पादन होता है? 40% खाद्यान्न उत्पादन होता है। यानी जो भारत के अंदर जितना भी अपना प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है, उसका 40% हिस्सा इस 58% हिस्से से आ रहा है। कहने का मतलब अपने दोबारा उस उदाहरण से समझते हैं कि मान लो 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल के अंदर भारत में कुल जो है आपकी खेती की जा रही है, उसमें से 58% भाग जो 58 हेक्टेयर है वो आपका वर्षा पर आधारित है, और इस 58 हेक्टेयर से 40% खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है पूरे भारत का। कितने भारत का? पूरे भारत का कितना? 40% खाद्यान्न उत्पादन इससे हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ दो तिहाई का मतलब ये मान सकते हैं अपने कि दो बटे तीन भाग जो है वो, यानी भारत का जितना पशुधन है उसका 2/3 भाग यानी 2/3 लगभग 75% के आसपास, कितना 75% के आसपास जो पशुधन है वो भारत का इसी 58% भाग पर निर्भर कर रहा है। बहुत बड़ी बात है कि एक तो 40% खाद्यान्न उत्पादन दे रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ 75% के आसपास पशुधन जो है भारत का वो संभाल रहा है। कौन है? ये बरानी एरिया जो आपका 58% है पूरे कृषि क्षेत्रफल का। अब ये जटिल क्वेश्चन हो गए, आप समझोगे नहीं, आपको थोड़ा सा गोलमोल हो जाएगा, तो दोबारा समझा देता हूँ अपनी भाषा में कि मान लो अपने भारत में 100 हेक्टेयर जमीन पर खेती की जा रही है। उदाहरण दे रहा हूँ कि 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेती की जा रही है, उसमें से 58 हेक्टेयर के ऊपर जो खेती हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ बारिश पर आधारित है। अगर वर्षा होती है तो उस 58 हेक्टेयर में खेती होगी, वरना नहीं होगी। अब देखो, वर्षा तो होती है, कभी ज़्यादा कभी कम होती है, जैसे अब की बार अच्छी होगी तो अच्छा उत्पादन होगा, तो 58 हेक्टेयर के अंदर जो अपने खेती कर रहे हैं उसको बोलेंगे बरानी खेती। क्या बोलेंगे? बरानी खेती, यानी वर्षा पर आधारित खेती बोलेंगे। अब 58 हेक्टेयर के अंदर जो खेती हो रही है उससे पूरे भारत के अंदर जितना भी खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है, यानी उस 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जितना खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है, अनाज उत्पादन हो रहा है, वो उसमें से जो अपने 58 हेक्टेयर खेती कर रहे हैं उसका उससे जो है 40% हिस्सा प्राप्त होता है। कितना? पूरे भारत का जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें से 40% हिस्सा जो है वो उस 58 हेक्टेयर है, या 58% वाला जो भाग उससे आता है। साथ ही साथ जो है वो 58 हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल पशुधन का, जितना पूरे भारत के अंदर पशुधन है, पशुधन में गाय भैंस भेड़ घोड़ा बकरी ऊँट सब कुछ आते हैं, तो जितना भारत का पशुधन है उसका 2/3 भाग या 2/3 भाग या 75% भाग जो है वो सारा का सारा उस 58 हेक्टेयर जमीन पर टिका हुआ है। समझ गए होंगे कि एक तो भारत का 2/3 पशुधन है वो उस 58% भाग पर टिका हुआ है, और एक जो 40% हिस्सा खाद्यान्न उत्पादन का है वो उस 58% भाग पर टिका हुआ है, जो कि कैसा है? बरानी क्षेत्र है, जो वर्षा पर आधारित क्षेत्र है पूरे भारत के कुल शुद्ध क्षेत्रफल का। समझ गए होंगे, ये चीज है। आगे देखिए, हैदराबाद स्थित केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसंधान परिणाम बताते हैं कि वर्षा जल तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से इन क्षेत्रों में व्यापक क्षेत्रीय असमानताएं पाई जाती है। उन्नत कृषि तकनीकें अपनाकर बरानी फसलों की उत्पादकता 50-70% बढ़ाई जा सकती है। भारत के लगभग 141 मिलियन हेक्टेयर शुद्ध कृषि क्षेत्र में से 80 मिलियन हेक्टेयर बरानियां असिंचित है, यह आंकड़े आ चुके हैं, बता देता हूँ। समझ गए होंगे, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत के कुल शुद्ध कृषि क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग बरानी है या वर्षा पर आधारित है, तो उसका उत्तर होगा 58% भाग। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उस 58% भाग में से जो वर्षा पर आधारित है उससे कितना अनाज उत्पादन होता है, खाद्यान्न उत्पादन होता है, तो उसका उत्तर है 40%। आपसे पूछ लिया जाए कि उस 58% भाग जो वर्षा पर आधारित है उस पर कितना पशुधन निर्भर करता है, तो 2/3 यानी 75% के आसपास भारत का कुल पशुधन उस पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन इसमें से निकल कर आया। एक नाम आया है केंद्रीय जो है आपका बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको कहां पर स्थित है,
ये स्थित है हैदराबाद, हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। तो हैदराबाद के अंदर स्थित है। तो देखिए नाम आया है केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्था। ये हाँ इंग्लिश में बात करो CRIDA क्रीडा। क्या नाम है? क्रीडा। सी इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ RESER सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ये इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्रीडा। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर केंद्रीय भरानी कृषि अनुसंधान संस्था हिंदी में नाम हैदराबाद में स्थित है। शॉर्ट फॉर्म है क्रीडा। बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर, बहुत ही बार पूछा गया है, दो तीन बार तो सुपरवाइजर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या है क्रीडा? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर या केंद्रीय भरानी कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। इसका काम क्या होता है? इसका काम है क्या काम है इसका? इसका काम यह है कि ये जितना भी भारत के अंदर जो 58% वाला जो बरानी क्षेत्र है, वर्षा आधारित खेती वाला क्षेत्र जो है, उसके सारे के ऊपर रिसर्च करता है। उसमें पशुधन पर, उसमें फसलों पर, सब चीज़ों के ऊपर ये रिसर्च करने वाला संस्थान है जो भारत के अंदर हैदराबाद में स्थित है। इसका नाम ही हो गया केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। यानी जो बरानी क्षेत्र है पूरे भारत का, उसके अंदर कौन सी फसलें, किस प्रकार का पशुधन, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, किस प्रकार से उन चीज़ों को इम्प्रोमाइज करके उनको उन्नत बनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। ये काम क्या है? किसका है? क्रीडा का है इसका। अब इसने रिसर्च किया पूरे भारत में, तो इसने पाया कि जो आपका 58% वाला जो एरिया है, जो बरानी क्षेत्र है, उसके अंदर जो है आपका जल और अन्य संसाधनों की जो उपलब्धता है, पानी और जो अन्य खेती के लिए जो उपयुक्त संसाधन है उनकी जो उपलब्धता है, उसकी बड़ी असमानता है। उनका वितरण बहुत असमान है, कहीं पर कुछ ज़्यादा है, कहीं पर बहुत ही कम है, कहीं पर ना के बराबर है। इस प्रकार से इन्हें रिसर्च करके इन्होंने पाया। अब इसने क्या किया कि बहुत सारी ऐसी उन्नत टेक्निक विकसित कर दी इस संस्थान ने, जिनको अपना कर अपने जो बरानी वाला क्षेत्र है, अपने जो वर्षा आधारित वाला जो क्षेत्र है, उसके अंदर उन तकनीकों को, उन चीज़ों को, उन विधियों को अपना कर अपने क्या कर सकते हैं, वर्षा आधारित खेती वाले क्षेत्र के अंदर भी अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। और ये तरीका बताता है क्रीडा, यानी आपका सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर बताता है, जो हैदराबाद में स्थित है। आगे देखिए तो इतने सारी मेहनत करने के बाद या उन्नत कृषि तकनीकें अपनाकर बरानी एरिया के अंदर, जो अपने बरानी एरिया है उसके अंदर इन्होंने जो उन्नत तकनीकें बनाई हैं, इन्होंने जो उन्नत तकनीकें बता रहे हैं, इन तकनीकों को अपनाकर कृषि उन्नत विधियों को अपनाकर उत्पादन जो होता है उसके अंदर 50% से लेकर 70% तक अपने उत्पादन बढ़ा सकते हैं। यानी कहीं कहीं पर बिल्कुल उत्पादन नहीं हो रहा है, उनके अंदर भी उन विधियों को अपनाकर 50% से लेकर 70% तक अपने क्या कर सकते हैं, उत्पादन के अंदर बढ़ोतरी कर सकते हैं, अगर इसके द्वारा बताई गई, इस संस्थान के द्वारा बताई गई उन्नत विधियों को, कृषि विधियों को अगर अपना अपनाते हैं तो। ठीक है, ये है आपका ड्राई लैंड एग्रीकल्चर यानी केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान का काम।
आगे है कि भारत का जो लगभग 141 मिलियन हेक्टर शुद्ध कृषि क्षेत्रफल में से 80 मिलियन हेक्टर बरानी असिंचित है। अब जो 58% बात कर रहे थे उसका रिजल्ट आ चुका है, यानी अपने को पता चल चुका है कि भारत के अंदर कुल कृषि क्षेत्रफल है, शुद्ध कृषि क्षेत्रफल कितना है। अपने बात करें ना कि भारत के कुल शुद्ध कृषि क्षेत्रफल का 58% भाग जो है कौन सा है, वर्षा आधारित या बरानी या असिंचित है। तो वो 58% भाग भी पता चल गया है, और जो है आपका कितना शुद्ध कुल कृषि क्षेत्रफल है उसका भी पता चल गया है। तो मैं बताता हूँ आपको कि भारत में याद रखें कि बहुत बढ़िया बढ़िया आंकड़े हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। भारत में कुल शुद्ध कृषि क्षेत्रफल कितना है, लगभग है ये पूरा बता सकते, लगभग या ऐसे कह सकते हो लगभग 141 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? 141 मिलियन हेक्टेयर। तो अपने क्या पता चल गया कि भारत में कुल शुद्ध कृषि क्षेत्रफल कितना है, 141 मिलियन हेक्टेयर है। अब इसका 58% भाग अपने निकालें, इसका 58% भाग अपने निकालें तो इसका लगभग 58% भाग निकालते हैं तो 80 मिलियन हेक्टेयर होता है। कितना होता है? 80 मिलियन हेक्टेयर होता है। तो क्या बताया था कि भारत के कुल शुद्ध कृषि क्षेत्रफल का लगभग 58% भाग बरानी या वर्षा आधारित है, तो वो कौन सा हो गया? ये 80 मिलियन हेक्टेयर हो गया, यानी भारत में 80 मिलियन हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है वो किसके ऊपर आधारित है, वर्षा पर या आपके बरानी है। तो समझ में आ गया होगा कि भारत में कुल जो शुद्ध कृषि क्षेत्रफल है वो टोटल 141 मिलियन हेक्टेयर है, और उसका लगभग 58% यानी 58% इसका निकाले तो 80 मिलियन हेक्टेयर के आसपास आता है। तो 80 मिलियन हेक्टेयर जो है वो क्या है, आपका बरानी या वर्षा आधारित क्षेत्रफल है। तो बस यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, और अभी पूरे आंकड़े समझ में आए गए होंगे कि शुद्ध कृषि क्षेत्रफल कितना है भारत का, 141 मिलियन, उसका 58% निकालें तो 80 मिलियन हेक्टेयर के आसपास कौन सा है, बरानी या वर्षा आधारित है। अब इस 80 मिलियन हेक्टेयर से 40% भारत के अंदर जो खाद्यान्न उत्पादन होता है टोटल, उसका 40% हिस्सा इससे आता है। तारा ना पीछे में 58% से आता है, वो 58% ये है 80 मिलियन है ये, तो इससे जो है अपने क्या हो रहा है 40% के आसपास खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है, और इसी 80 मिलियन पर भारत का कुल पशुधन जितना भी है, टोटल पशुधन भारत का जितना भी है, उसका 2/3 हिस्सा इस 80 मिलियन हेक्टेयर पर टिका हुआ है। आ गया ना समझ में? वो 58% बात कर रहे हैं तो वो 58% ये है भारत के कुल शुद्ध कृषि क्षेत्रफल का। अपने 100 हेक्टेयर माना था, उदाहरण माना था ना, वो टोटल आपके सामने आ गया एक्चुअल, यहाँ पर किताब में बता दिया गया है कि शुद्ध अपना भारत का कुल शुद्ध कृषि क्षेत्रफल 141 मिलियन, उसका 58% निकाले तो 80 मिलियन हेक्टेयर आता है। तो इस 80 मिलियन हेक्टेयर से 40% आसपास तो है उत्पादन भारत के कुल अनाज उत्पादन का उत्पादन होता है, और भारत का कुल पशुधन जितना भी है उसका 2/3 हिस्सा इस 80 मिलियन हेक्टेयर पर निर्भर करता है। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे देखिए, शुष्क खेती का तात्पर्य वर्षा द्वारा प्राप्त जल का सुनियोजित संचय उपयोग करके उचित शस्य क्रियाओं को अपनाकर शुष्क क्षेत्रों हेतु उपयुक्त किस्म और फसलें जो कम पानी चाहने वाली हो, कम अवधि वाली उनकी बुआई करें, अधिकतम प्राप्त करना होता है। इसी किसी बात है, शुष्क खेती जो है उसका मतलब क्या हुआ? तो शुष्क खेती का मतलब है, यहाँ पर दो प्रकार की खेती आएगी, एक तो शुष्क खेती और एक आएगी असिंचित खेती। आप तो समझते होंगे असिंचित भी एक ही है, शुष्क भी एक ही है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। शुष्क या बरानी या वर्षा आधारित अलग होती है और असिंचित अलग होती है। पहले अपने शुष्क खेती के बारे में जान लेते हैं, शुष्क खेती के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर विवरण दिया गया, उसकी बात करते हैं कि शुष्क खेती के तात्पर्य है, अर्थ क्या है कि प्राप्त जल वर्षा के द्वारा जितना भी पानी प्राप्त होता है उसका सुनियोजित संरक्षण करना अपने को, और उसका सही तरीके से उपयोग करना है। अच्छी शस्य क्रिया अपनानी है जो शुष्क क्षेत्र हेतु उपयुक्त किस्म और फसल भी अपनानी है जो कम पानी चाहने वाली हो, कम अवधि वाली हो, और बुआई करके अधिकतम उत्पादन लिया जा सके। यानी शुष्क खेती जो होती है वो खेती करने की एक ऐसी विधि है, ऐसी तरीका है, ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम में अपने क्या करते हैं कि जो भी पानी अपने को प्राप्त होता है वर्षा के द्वारा, थोड़ा बहुत या ज़्यादा जितना भी पानी अपने को वर्षा के द्वारा प्राप्त होता है उसको पहले संरक्षित करेंगे, सुनियोजित तरीके से बढ़िया तरीके से संरक्षण करेंगे, फिर धीरे धीरे उसका सदुपयोग करेंगे। साथ ही साथ
ऐसी फसल अपनाएंगे उस क्षेत्र में खेती करने के लिए, ऐसी फसल अपनाएंगे जो कम पानी चाहने वाली हो, अधिक बढ़ने वाली हो, और साथ ही साथ जो है उसकी उचित किस्में और वो चीज़ अपनाकर अपने खेती करेंगे जिससे अपने को अधिकतम उत्पादन प्राप्त होगा। तो ऐसी तकनीक जो होती है उसको शुष्क खेती कहते हैं, आपके जो है ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं, ड्राई फार्मिंग कहते हैं। तो ये हो गया आपका आज का थोड़ा सा अपने शुष्क खेती का, जो अपने ड्राई फार्मिंग शुष्क खेती की परिभाषा अपने जो है वो आगे आने वाले वीडियो में सारा कुछ पढ़ेंगे। थोड़ा सा आज इसका जो इंट्रोडक्शन था लेसन का उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, इसमें जो है काफ़ी आंकड़े भी आए हैं, आप क्रीडा के बारे में पता चला है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, और आने वाले वीडियो में अपने जो हैं इसकी शुष्क खेती की परिभाषा, असिंचित खेती की, इसके महत्व, इसके सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, और बहुत अच्छा सा इसको अपने पढ़ेंगे इस लेसन को, जो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा, और पूरी अच्छी तरीके से हर चीज़ आपको बताई जाएगी, कोई चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी, जो पीछे जैसे में से अपने पढ़ते आ रहे हैं वैसे लाइन टू लाइन आपको बताई जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खूब मेहनत कीजिए, ऑनलाइन स्टडी कीजिए, और अपने आसपास के बच्चों को भी अपने स्कूल के ऐप के बारे में बताइए, स्कूल का प्रचार कीजिए, और स्कूल की जो भी नॉमिनली आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो ज़रूर ज़रूर जमा कराएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।